एक माता की याचना का उत्तर देना होगा आपको। या तो मुझे अपना पुत्र दीजिए या मुझे मृत्यु दीजिए। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम कैसे ढूंढें भ्राता भीम को। हमने सारा वन ढूंढा पर भ्राता श्री कहीं नहीं मिले। केवल वन में नहीं, समग्र पृथ्वी पर ढूंढो, स्वर्ग का द्वार तोड़ दो, पाताल का तल खोद दो, तो मुझे अपने पुत्र भीम का मुख दिखाओ। अर्जुन, क्या अर्थ है तुम्हारे सामर्थ्य का? यदि तुम अपने भाई का समाचार नहीं ला सकते, सुन लो युधिष्ठिर, जब तक मैं अपने पुत्र भीम का मुख नहीं देखूंगी, तब तक मैं स्वयं अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। अब मेरा पुत्र भीम ही मुझे अन्नप्राशन करवाएगा। या इस भूमि पर या स्वर्ग में। यदि मेरा भीम इस संसार में नहीं, तो मैं भी इस धरती का त्याग कर दूंगी। और ये मेरा प्रण है। पुत्र, ये हमारी विजय का प्रथम चरण था। पुत्र, रथ के चक्रों को जोड़ने वाला लकड़ा सबसे अधिक बलवान होता है पुत्र, किंतु वो टूट जाए उसके पश्चात रथ केवल जल सकता है, चल नहीं सकता। किंतु मामाश्री, वो अर्जुन अभी जीवित है और वो अद्भुत बाणावली है। अब उसी की मृत्यु का समय है पुत्र। और आपके पास है तो आपको सारे उत्तर देते हैं मामा श्री। अब बताइए, कितने पांडवों का वध करना है हमें?
सो अब मुझे बताओ कि मुझे कितने पांडवों का वध करना आवश्यक है। पांच किंतु भीम तो मर गया है मामाश्री, कहीं भीम जीवित तो नहीं? ये तो तुम बताओ पुत्र। पितामह, मैं किस प्रकार जान सकता हूं पितामह? उसको भोजन का निमंत्रण भी तो तुम ही ने दिया था। हाँ पितामह, किंतु भ्राता श्री भीम ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। पुत्र, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो जाकर भीम को ढूंढो, और यदि असत्य तो कहीं जाकर छिप जाओ। क्योंकि मैं शीघ्र ही सत्य जान लूंगा, और जिसने भी ये प्रपंच किया है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते। राजकुमार युधिष्ठिर, शॉन, आप दोनों पूर्व दिशा में जाएंगे। वामन सूचीपद, आप पश्चिम दिशा में जाएंगे। राजकुमार नकुल और सहदेव, आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, और मैं राजकुमार अर्जुन के साथ उत्तर दिशा में जाऊंगा। भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम! भीम!
दादा भीम, राजकुमार भीम, राजा भीम। मामा श्री, हत्या का कोई प्रमाण रहा होगा प्रमाण कोटी में? ना, मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि प्रमाण कोटी में कोई प्रमाण नहीं रहा होगा। दादा भीम, राजकुमार अर्जुन, ये तो भ्राता भीम का रक्षा कवच है। माता ने रक्षा हेतु हम सभी भाइयों को बांधा था। ये कवच टूटा है राजकुमार, अवश्य किसी प्रकार के संघर्ष में गिर गया होगा। अर्थात भ्राता भीम, किंतु विश्वास का परिणाम भोगा है भीम ने, इसीलिए विश्वास का भय लगने लगा है मुझे। उचित होगा कि प्रमाण कोटि ही चला दो, जो प्रमाण होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। भ्राता भीम, राजकुमार भीम के साथ अवश्य कोई दुर्घटना हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये मेरा ही दोष है। माता ने हम सबको साथ में रहने को कहा था, किंतु मैं उनका साथ छोड़ के आ गया। स्वयं को दोष दोगे राजकुमार, तो जीवन का प्रत्येक क्षण दुख से भर जाएगा। जैसे अधिकार मांगना व्यक्ति का दोष नहीं, अधिकार देने से मना करना संसार का दोष, वैसे ही विश्वास रखना दोष नहीं हो सकता। दोष तो केवल विश्वासघात करने वाले का ही होता है। विश्वासघात? अवश्य आपके भाई राजकुमार दुर्योधन ने विश्वासघात किया है। राजकुमार भीम को खीर में विष मिलाकर दिया गया है। ये आपने किस प्रकार जाना?
राजकुमार अर्जुन। अवश्य भ्राता भीम, भ्राता भीम का बल। प्रताप भीम का आभूषण जलाशय से मिला। इसका तो एक ही अर्थ है जैसे अर्जुन उत्तर दो, इसका क्या अर्थ है? राजकुमार भीम की हत्या करके उन्हें जलाशय में डाल दिया गया। असंभव, किसी भी वनवासी या राक्षस में इतनी शक्ति नहीं कि भीम को सरलता से परास्त कर पाए। विश्वास ने मारा है आपके भाई को राजकुमार, विवाद ने नहीं मारा। राजकुमार दुर्योधन ने भोजन में विष मिलाकर उनकी हत्या की है। भाई स्वयं अपने भाई की हत्या नहीं कर सकता। वो हमारे भाई नहीं है ज्येष्ठ, शत्रु है, क्योंकि वो हमें अपना शत्रु मानते हैं और शत्रुओं के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जिन्होंने भ्राता भीम की हत्या की है, मैं अपने बाड़ों से उनका वध कर दूंगा।
धैर्य राजकुमार। प्रथम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। आपकी माता को दो पुत्रों के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कर्ण महोदय? और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है।